कैथुन कस्बे में एक किसान पेड़ फिसलने के कारण नहर के तेज बहाव में बह गया, जो कि अब तक लापता है। घटना की सूचना मिलने पर कोटा से SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दरअसल कैथुन निवासी किसान प्रभुलाल अपने मवेशियों के लिए चारा लेने गया था, तब वापस लौटते समय नहर से गुजरते वक्त पेड़ फिसलने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नहर में जा गिरा। नहर में चल रहे तेज बहाव के कारण प्रभुलाल को संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, जिसके कारण वह बह गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि SDRF की टीम को लापता हुए किसान को ढूंढने में कब तक सफलता मिलती है।